बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब इनको अप्रिशिएट करने में मेरी ज़ुबान थक नहीं रही है। ये लगे हुए हैं बैंगन और मिर्ची, जैसे आप देख रहे हो मिर्ची का पेड़ भी लगा हुआ है और मिर्ची पूरी उगी हुई है, और वो रहे छोटे छोटे बैंगन, और उसी के साथ ये देखो कितनी बड़ी बड़ी भिंडी लगी हुई है यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी सुंदर लग रही है लगी हुई भी। और ये फ्रेश भिंडी जो है वो निकाली है, और आप देख सकते हो साइज़ कितना बड़ा है भिंडी का। और ये वाली जो जगह है पूरी की पूरी, वो भिंडी का ही सेक्शन है। यहाँ पर पूरे के पूरे सेक्शन में जो है वो भिंडी उगाई जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। माय नेम इज़ ऋषि मलिक, और आज मैं आ गया हूँ यहाँ पर सब्जियाँ लेने के लिए। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मैं जाने वाला हूँ खेत में, तो सबसे पहले तो आप सभी को खेत दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर है और छोटा सा है, बट इसके अंदर हर एक सब्जी जो है वो मिल जाती है। और ये जो मेरे पीछे आप अभी देख रहे हो, ये पूरा का पूरा खेत है तोरी का और टिंडे का। और इसी के साथ साथ आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि कैसे इन्होंने पूरी अच्छे तरीके से फार्मिंग करी हुई है और ध्यान दे रहे हैं, ना कोई अदर आपकी जो घास है सब्जियों के साथ लगी हुई आपको दिखेगी। मतलब यार एक ना फन वाली फीलिंग है ये, मैं कभी यहाँ पर आया नहीं था, बहुत दिनों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। फ्रॉम द प्रीवियस पास्ट टू मंथ्स आई एम लिविंग ऑन दिस लोकेशन, बट इवन आफ्टर दैट इतना समय नहीं मिला था कि यहाँ पर आके दिखाऊँ। और ये देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी जो है वो तोरी लगी हुई है इस समय पर। और वहाँ पर जो है, वहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हाथ कर रहा हूँ, वहाँ पर पूरी की पूरी है आपकी ब्रोकली। तो अभी चलते हैं आगे, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और इस समय पे जो टाइम हो रहा है वो करीबन हो रहा है 6:15 से 6 बजे का, और किसान के लिए यही उसकी दुनिया होती है, चाहे कितना बड़ा किसान हो और छोटा से छोटा किसान भी हो। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। भाई साहब ये देखो, ये पालक है, ये पूरी की पूरी पालक है। अगर आपको मैं नियर से दिखाऊँ तो ये सारी की सारी जो है वो पालक है, और भाई कितनी सही लग रही है, मज़ा आ गया आके अंदर। चलो आगे चलते हैं, कैसे पालक उगाई जाती है, एक एक लाइन बनाकर उसके ऊपर पौधा लगाया जाता है, बीज डाला जाता है, देन आफ्टर दैट जो है पालक आती है उगकर। और सच बता रहा हूँ भगवान की कसम, बहुत बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं यहाँ पर। अगर आप कोई भी फल उगा रहे हो या कोई सब्जी उगा रहे हो, बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं। इसीलिए ही पेशेंस के लिए सबसे ज़्यादा रेनोन्ड रहते हैं किसान। और उसी के साथ साथ ये देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये इस समय पे भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है छोटे छोटे बैंगन जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, एंड यहीं पर ही पालक की खेत की खेती की गई है। आगे चलते हैं, बनाते हैं और भी वीडियो, और मज़ा आएगा। थोड़ा सा ही मेरे घर से दूर है, वो रहा मेरा घर, वहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब मज़ा आ रहा है। ये फ्रेश भिंडी जो है वो निकाली है, और आप देख सकते हो साइज़ कितना बड़ा है भिंडी का। और ये वाली जो जगह है पूरी की पूरी, वो भिंडी का ही सेक्शन है। यहाँ पर पूरे के पूरे सेक्शन में जो है वो भिंडी उगाई जाती है। मैं आपको एक सिंपल सा एक वो दिखा देता हूँ, ये देखो ये पूरे के पूरे पेड़ जो है लगाए हुए हैं। उसी के साथ साथ इसमें हर एक दिन माली जो है वो चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कोई अलग से पत्ता थोड़ी नहीं आ रहा है, या पूरी की पूरी जो खेती है वो आराम से चेक करी जाती है। देन आफ्टर दैट ही आगे बढ़ा जाते हैं। ये देखो अंकल तोड़ के ला रहे हैं, अंकल लेके आना जरा, ये देखो तोड़ के ला रहे हैं, दिखाना एक बारी क्या बात है। हाँ ये है अंकल जिनका खेत है, ये कहाँ पे आगे, ये देखो ये तोड़ दी। और ये पे बहुत जगहों पे लगी हुई थी सारी की सारी, उन्होंने भी निकाली है, मजा आ रहा है भाई। ये टिंडे लग रहे हैं, और इसी के साथ साथ शायद ये टिंडे हैं या टमाटर हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, वो आगे देखोगे तो वो भी वहाँ पे टमाटर या टिंडे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी पालक है, ये देख सकते हो, और इस तरफ टिंडे या टमाटर रहेंगे। एंड विद दैट आगे अगर उधर देखते हो तो वहाँ से जहाँ से अंकल आ रहे हैं वो ब्रोकली है पूरी की पूरी। वहाँ पर एक आंटी बैठी हैं, जैसे आप देख सकते हो, वो आंटी कहती हैं कि आप पूरा का पूरा खेत देख लो, बट अगर आप खेत देख रहे हो तो अपने जूते उतार दो, इसलिए मैंने जूते उतार दिए थे खेत देखते हुए। और
अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये पूरी की पूरी जो मिट्टी है इन्होंने इस समय पे वो कर दी है साफ, जिसे नई जो है फसल इसके ऊपर उगाई जाए। अगर छोटा सा ये जो व्लॉग है, रैंडम सा जो ये व्लॉग है, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं भी पहली बार ही आया हूँ और भाई साहब सफाई बहुत ज़्यादा है, सच बता रहा हूँ। माना सब्जी उग रही है बट सफाई बहुत ज़्यादा है। अगर ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इनकी मेहनत को प्लीज़ लाइक कर देना, रिक्वेस्ट ये रहेगी, क्योंकि जो इस समय पर मेरे पास कंटेंट है वो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। आने वाले समय में डेफिनेटली हम ट्रैवल भी करेंगे और मज़े भी करेंगे, तो वो भी देखना। इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों।